एफआईआर के हवाले से आईजी पंजाब कह रहे हैं कि हमें वजीर आला पंजाब ने रोका है इंदराज से, आपका क्या टेक है इस पर? देखें, आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं, इसीलिए आपको मैं अवॉइड करता हूं कि जो मुतनाजा बातों को जन्म दें। असल मसला ये है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने की साजिश की गई है ताकि इस मुल्क में बहरान पैदा हो, लॉ और पीडीएम जिस खौफनाक और जिस बुरी तरह नाकाम और तबाही से दोचार हो रही है और उसने अपनी सियासी कब्र और गड़ा खोद दी है, वो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाह रही, लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये बड़े अहम दिन हैं, ये दो हफ्ते बड़े अहम हैं। बिल आखिर ये अदारे भी हमारे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के जामिन हैं, और जो लोग इमरान खान के साथ नहीं भी थे अब वो इमरान खान के साथ हो गए हैं, और ये सरासर ज्यादती है और इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी कि इन्होंने वही ड्रामा रचाया जो इंतहा पसंदी का, अगर खुदा ना खासा वो इस दुनिया में ना रहते तो ये तो प्री प्लान था। इनके सारे बयानात देखें और फजलुर रहमान की जो जबान है, मैं इतनी गंदी जबान की एक आदमी दिल से तो तौखे नहीं कर सकता कि वो इंडियन फिल्म स्टारों के नामों से तशबीह दे रहे हैं, और मैं तो हैरान हुआ कि फजलुर रहमान साहब ने मौला जज का किरदार अदा करने वाले बयानात दे रहे हैं। ये मुल्क एक संगीन तरीन बहरान से गुजर रहा है लेकिन इसका नतीजा निकल आएगा 30 नवंबर से पहले पहले। शेख साहब, राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं कि अगर 4 गोलियां खान साहब को लगी हैं वो साबित कर दें सियासत छोड़ दें। पागलों के मैं जवाब नहीं देता, अहमकों के और ज़हनी पस्ती के और दहशत गर्दों के मैं जवाब नहीं देता, कुछ सियासी सवाल है तो अच्छा। आप सर, ये जो आरिफ अलवी साहब को खत लिखा है इमरान खान साहब ने, इस पर क्या मौकिफ है आपका? भाई उनका राइट है, उन्होंने लिखा है, आरिफ अलवी साहब रबते में है और कल परसों 13 तारीख तक अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और इस अहम डेवलपमेंट में पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ भी हालात जा सकते हैं। शेख साहब, विफाक जो है वो पंजाब से शिकवा कर रहा है कि आपने शवाहद जाया कर दिए, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से हो जाती, तो पंजाब की वजह से इन्वेस्टिगेशन खराब हुई है इमरान खान साहब पर हमला जो केस है उसकी? राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले दिए हैं उन्होंने अरशद शरीफ के बारे में भी। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी कौमी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उसने एक फकीदुल मिसाल फैसले किए और फकीदुल मिसाल फैसले करेगा। शेख साहब, आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ है उस पर आपका मौकिफ जानना चाहेंगे, चेयरमैन सैन इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। बाब जहर है, वो जिस तरह आया था जिस तरह लाया गया था चेयरमैन सैनेट वो सबको पता है, और चेयरमैन सैनेट पर भी पीटीआई ने जो स्टैंड लिया मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू।